गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अभी दोपहर के 12:01 बजने वाले हैं और मैं फ्रेश वगैरह होके निकल चुका हूँ घर से बाहर। आज एक फ्रेंड का बर्थडे भी है रात में, मैं वहाँ भी जाऊँगा, मैं वहाँ का भी क्लिप आपको दिखाऊँगा। अब चलते हैं। तो भाई लोग, जैसे कि आप जानते हो कि आज सैटरडे है, तो आज पूरे वीकेंड के लिए मैंने देखो सब्जियाँ ले ली है। हर वीकेंड पे मैं आता हूँ, सैटरडे या संडे को मे बी, वेजिटेबल्स लेने के लिए, क्योंकि यार हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आप चलते हैं। पहले ये इसे घर रख दूँ, फिर चलते हैं बाहर घूमने। चलो भाई लोग, सब्जी लेने के बाद अब मैं घर की ओर चलता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा, एक नकोबा जगह पड़ता है यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ मुझे कुछ काम है, 10 मिनट के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था आज आपको टूर कराऊँ ट्रैम्प का, तो मैं गाड़ी घर छोड़ूंगा, धन्नो को घर पे लगाऊंगा, उसके बाद ट्रेन से चलते हैं। ट्रेन का भी बहुत दिन हो गया सफ़र किए हुए, और उसका सफ़र करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं ट्रेन की ओर। जैसे कि मैंने बताया है थोड़ा देर पहले कि धन्नो को मैंने घर पर रख दिया है, अब चलते हैं ट्रेन। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आज यूज़ करूँगा, मुझे नकोबा जाना था, मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, तो लोकल ट्रांसपोर्ट आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। बस आप लोगों के लिए यार ट्रैम्प यूज़ कर रहा हूँ, धन्नो को घर पे छोड़ा हूँ। तो मैं ट्रैम्प स्टेशन पे आ गया हूँ, मैं ट्रैम्प का वेट कर रहा हूँ, मैं वो दिखाता हूँ स्टेशन कैसा होता है। ये ट्रैम्प स्टेशन है, यहाँ का भी बैठने का बना हुआ है। अभी देखो वेट किया जा रहा है, ट्रैम्प आ रही है, देखो ये होता है ट्रैम्प। चलो इसकी सवारी करते हैं। बहुत हिल रहा है यार ये, मजा भी आ रहा है इस पे। ये 6 गिरिवना लिखा है, 6 गिरिवना में आप कहीं भी जा सकते हो। ये देखो आईफिल टावर है, बट ये ओरिजिनल आईफिल टावर नहीं है, उसकी कॉपी है, जो कि खड़की में पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ट्रैम के अंदर बैठ गया हूँ, और अंदर का नज़ारा देखो, लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। एक्चुअली मैं अपनी जगह तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि ट्रैम यहीं तक आती है। ये ट्रैम नंबर 27 है, जो कि यूक्रेनी मेट्रो तक जाती है। एक्चुअली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सका, देखो ये मुझे छोड़ के चली गई। चलो फिर यहाँ तो देखते हैं आगे कैसे पहुँचूँ, क्योंकि मुझे इसका रूट और टाइमिंग पता नहीं है, इसका रूट कहाँ से कहाँ जाती है। बट मैंने 27 नंबर लिया ट्रैम, और मैं यहाँ पर मॉस्कोविस्की पहुँच गया हूँ, जहाँ पर खार्किव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं आगे कैसे जाया जाए। तो ये जो ट्रैम थी, ये मुझे ऐसी जगह उतारी है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम है, प्राइवेट गाड़ी ज़्यादा चलती है। अब इससे आगे का मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर टैक्सी लूँगा, अगर समझ में आ गया तो पैदल ही घूमते हुए चल चलेंगे हम लोग। तो मैं पैदल घूम रहा था तो मुझे ये बिल्डिंग दिखी, सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। ये देखो कितना अच्छा पेंटिंग किया हुआ है। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये समर में होता है, काफ़ी प्यारा होता है ये। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये रेलवे ट्रांसपोर्ट की यूनिवर्सिटी है। अगर आपको रेलवे में जाना है यूक्रेन के अंदर, तो ये यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर सकते हो। ये भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि खार्किव में ही पड़ती है। अब ये बोर्ड देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है। अभी लंबा जाना है पैदल यार, आप लोगों के लिए मैं रास्ता खो तो नहीं गया, बट डिफ़िकल्टी हो रही है चलने में यार, काफ़ी दिनों के बाद पैदल चल रहा हूँ मैं। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर छोटा सा झील टाइप का है, मैं वहाँ पर आया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको।
भाई लोग हालत खराब हो रही है यार, कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ। देखो एक यूनिवर्सिटी सामने दिखी है, मैं दिखाता हूँ, ये पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैकडी है। यूक्रेन की खासियत मैं बताता हूँ कि यूक्रेन में हर 100 मीटर पे आपको मैकडी मिल ही जाएगा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे सामने एक पार्क है, मैं आपको पार्क का व्यू दिखाता हूँ। सामने है फाउंटेन, बहुत प्यारा जगह है बैठने के लिए शाम के टाइम। ये जो पार्क है ये बेकेतोवा में पड़ता है। एक्चुअली आप लोगों के लिए घूमते घूमते मैं बेकेतोवा पहुंच गया था, ठीक है। अब चलते हैं नुकोवा की ओर। तो फाइनली मैंने टैक्सी बुक कर ली है, क्योंकि अब इससे आगे पैदल जाना मुमकिन नहीं लग रहा। एक्चुअली काफ़ी गर्मी हो रही है और पसीने भी आ रहे हैं, तो सोच रहा हूँ टैक्सी बुक कर लूँ। टैक्सी आ रही है 10 मिनट में, तो फिर टैक्सी चलते हैं नुकोवा। फिर मैं दिखाता हूँ आपको, टैक्सी का भी व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। तो मेरी टैक्सी आ गई है और हम टैक्सी ड्राइवर हम लोग निकल रहे हैं नुकोवा की तरफ। चलो मैं दिखाता हूँ। दोनों को तो बहुत देखा आपने, टैक्सी का ड्राइविंग का बहुत कम ही मौका मिलता है मुझे। चलो ब्लॉग में बन रहे हैं आपको। तो नुकोवा काम मेरा हो गया, अब चलते हैं वापस घर की ओर, टैक्सी बुक करते हैं। हमारी टैक्सी आ चुकी है, अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं रात को एक बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, बट मैं सोच रहा हूँ उसका एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।